आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति। तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना, तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की तीन उंगलियां, मात्र तीन उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और आपने घर को लौट कर जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति,